नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे स्विनी वाले भैया के YouTube चैनल पे। और दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इस वीडियो पर हम जो है ग्रामीण इलाका में जो त्योहार होते हैं वो कैसे मनाए जाते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मैं भी जो है एक ग्रामीण इलाका से बिलोंग करता हूँ, और इस वीडियो पर हम जो हिंदू धर्म जो होता है तो उसमें एक बहुत ही अच्छा त्यौहार होता है जो किसानों भी बहुत सारे किसान लोग उसको मनाते हैं, जिसको हम पोला बोलते हैं। और पोला के एक दिन बाद वो जो हम एक मिट्टी होती है, मिट्टी से हम दिया जलाते हैं, और दिया जलाने के बाद वो हम उसको किसी एक बॉर्डर होता है वहाँ पर उसको फेंकते हैं, उसको हम बोलते हैं नारबोध, हम उसको खेलते हैं, हमारे हिंदी भाषा में उसको नारबोध बोलते हैं। तो इस वीडियो पर हम चर्चा करेंगे और इस वीडियो पर देखेंगे, और हमारे चैनल पर बहुत सारे प्रोफेशनल लोग हैं तो हो सकता है कि यार वो इरिटेट हो इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन आप कोई दिक्कत नहीं, आप इस वीडियो को आनंद लेके आप अच्छे से देखिए तो आपको नई नई चीज़ें, नई नई जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। अगर आपके कोई सवाल या कोई जवाब हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए हम उस जो है त्यौहार को देखते हैं। वो त्यौहार बहुत ही अच्छा है और बहुत सारे लोग उसको मनाते हैं, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, और गांव में किस तरीके से मनाया जाता है यही इस वीडियो पर बताया गया है। तो चलिए हम देखते हैं। I'm
आज जो रोड पर हगी शोला उनको लिम्बा जे लाके दे रहा बाबा भैया थोड़ा दो ओके बांध दे मम्मा चावल लाए।